दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे वीडियो आपको शायद कम देखने के लिए मिला होगा। और ये जो वीडियो है, ये जो देख रहे आप रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म, इसका रिलेटेड वीडियो है। हमने एक वीडियो छोड़ा था उसका ऊपर और एक वीडियो बना रहे। ये आज दोस्तों अभी हम लोग जो दिखा रहे ये पावर कनेक्शन है, रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का पावर कनेक्शन है। ये आप ड्राइंग देख सकते हैं, पावर कनेक्शन का ड्राइंग है, ठीक है दोस्तों। ये ड्राइंग का हिसाब से हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर पे कैसे कैसे कनेक्शन किया वो आपको अभी समझा देते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और पहले बता देता हूँ, ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, मशीन ऊपर जाएगा, इसी से आप होगा मशीन, ठीक है दोस्तों। मोटर जो है आप चलेगी। और ये दोस्तों रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे रिवर्स लिखा हुआ है नीचे, ये जो है डाउन होगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा लेफ्ट साइड मोटर का है, ये देखिए हमने मोटर लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा, यहाँ पे एक लैंप का होल्डर लगाया, यहाँ पे लैंप लगा के आपको दिखाएंगे आगे चालू करके, ठीक है दोस्तों। ये लेफ्ट साइड मोटर का हो गया कॉन्ट्रैक्टर, ये राइट साइड मोटर का कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग राइट साइड मोटर लिखे हैं, यहाँ पे भी एक लैंप का होल्डर लगाएं। और ये आपका ओवरलोड रिले है, ठीक है दोस्तों, ये लेफ्ट राइट साइड मोटर का, और ये लेफ्ट साइड मोटर का ये एक ओवरलोड रिले है। जैसे ही आपका मोटर ओवरलोड होगा तो ये हम जो करंट रेटिंग, करंट जो सेटिंग करेंगे इसमें, उसमें वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देखिए कनेक्शन कर लिए हैं पावर कनेक्शन, और आपको ड्राइंग का हिसाब से आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे कनेक्शन करना है इसमें, ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम लोग दूसरा इसका कंट्रोल वायरिंग भी करेंगे। देखिए दोस्तों ये एमसीबी है, एमसीबी से हम लोग थ्री पेज दे दिए कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट में, ठीक है दोस्तों। अभी क्या किए हम लोग, देखिए ये L1 है, ठीक है, ये अप कॉन्ट्रैक्टर का L1, ये डाउन कॉन्ट्रैक्टर का L1, ठीक है दोस्तों। L1 से L1 हम लोग दे दिए। अभी दूसरा देखिए, ये L2 है आप कॉन्ट्रैक्टर का, और यहाँ पे एक फेज हम लोग चेंज कर दिए, L3 में डाल दिए, ठीक है दोस्तों। और ये L3 है, ये L3 को हम लोग L2 में दे दिए, मतलब यहाँ पे हमारा रोटेशन चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आप कॉन्ट्रैक्टर, ये डाउन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ओके दोस्तों। अभी नीचे आपको दिखाता हूँ, और दो कॉन्ट्रैक्टर है, ये K1 हो गया मान लीजिए, ये K2 और ये K3, ये K4, ठीक है दोस्तों। चार कॉन्ट्रैक्टर लगता है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म में, ठीक है दोस्तों। इधर क्या किए, सीधा हम लोग ये जो है, देखिए दोस्तों हम लोग ये K1 से ही K3 को दे दिए लाइन, ठीक है, उसका आउटपुट से ही ये L1 से L1 दे दिए, L2 से L2 दे दिए, L3 से L3 दे दिए, K3, ठीक है दोस्तों। ये अपना जो है लेफ्ट साइड मोटर का साइट है, लेफ्ट साइड मोटर का ये कॉन्ट्रैक्टर है, और ये राइट साइड मोटर का कॉन्ट्रैक्टर है। फिर देखिए यहाँ से भी हम लोग K2 से L1 को L1 दे दिए, L2 को L2, L3 को L3, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हो गया हमारा दो मोटर का कनेक्शन। यहाँ पे दोस्तों हम लोग L1 से L1, L2 से L2, L3 से L3 इसको लूप मार दिया, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे आप पावर कनेक्शन, ठीक है। ये देख लीजिए पावर कनेक्शन का डायग्राम का हिसाब से आपको यहाँ पे आपको चालू करके दिखा भी देंगे दोस्तों। और ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, यूनिक वीडियो, ठीक है दोस्तों, इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा देख लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ से कनेक्शन भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे हम लोग किए हैं वो ऐसे ही है कि नहीं, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए ये L1 से इसका L1, इसका L2 से इधर L3, और इसका L3 से इसका L2, ठीक है दोस्तों। रिवर्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिवर्स हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो के ये छोड़ दीजिए, इसको मैं निकाल देता हूँ, इससे पहले वीडियो बनाते करके थे, इसको मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये वाला कॉन्ट्रैक्टर, आप कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग सप्लाई लिए, लेके जो हमारा लेफ्ट साइड मोटर का कॉन्ट्रैक्टर है उसमें इनपुट में दे दिए, और यहाँ से फिर हमारा ये ओवरलोड रिले होके आउटपुट होके ये मोटर को चला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया आपका रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर, मतलब डाउन कॉन्ट्रैक्टर।
फिर यहाँ से वही आउटपुट निकल के ये जो है हम लोग राइट साइड वाला मोटर का कॉन्टैक्टर में इनपुट RYB दे दिए, और यहाँ से निकल के ये ओवरलोड रिले होके यहाँ पे आपका मोटर को चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग हम लोग ऐसे ही किए हैं, ये L1 से L1, L2 से L2, L3 से L3, एज पर हमने जो डायग्राम बनाया वही डायग्राम का हिसाब से ही हम लोग ये ड्राइंग किए हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग पावर कनेक्शन कर दिए थे रोप सस्पेंडर प्लेटफॉर्म का। अभी देखिए दोस्तों ये कंट्रोल कनेक्शन है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्शन, मतलब इसका जो ब्रेक सिस्टम रहेगा, दो मोटर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक है दोनों मोटर का, वो ब्रेक भी मशीन चालू होना टाइम पे ब्रेक भी काम करना चाहिए, उसका भी देखिए ड्राइंग हम लोग यहाँ बनाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंट्रोल सर्किट है, देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिख रहा है आपको 24 वोल्ट आउटपुट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इमरजेंसी ओवल रोड रिले 1 2, ठीक है दोस्तों, अप पुश बटन डाउन पुश बटन। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो है आपको ये ड्राइंग का हिसाब से कंट्रोल कनेक्शन हम लोग करेंगे और आपको एक एक करके बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देखिए हम लोग पहले स्टेप ट्रांसफार्मर से 0 वोल्ट ले लिए। ठीक है दोस्तों, ये ब्लैक वायर, ये सब कंडक्टर जितना है सबको A2 में दे दिए, जैसे हमारे ड्राइंग में है। देखिए ट्रांसफार्मर से 0 वोल्ट लिए हैं, सब A2 को दे दिए। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ड्राइंग में 24 वोल्ट हम लोग ट्रांसफार्मर से लिया लेके इमरजेंसी पुश बटन, उसके बाद आपका ओवल रोड रिले 1 2 दोनों में इनपुट किया और आउटपुट निकाल के अब पुश बटन में दे दिया एक, और डाउन पुश बटन में दे दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, ये ट्रांसफार्मर से लिया 24 वोल्ट, ये पीला कलर का वायर, और ये देखिए दोस्तों ये हम पकड़े हुए हैं तार लेके इमरजेंसी में दे दिया। ठीक है दोस्तों, इमरजेंसी में दे दिया, यहाँ से आउटपुट लिया, देखिए ये वाला तार ये लेके हमारा ओवरलोड रिले में दे दिया। ठीक है, NC में एक पॉइंट में, फिर निकाल के आउटपुट करके फिर दूसरा ओवरलोड रिले में दे दिया NC में, फिर वहाँ से ओवरलोड रिले में आउटपुट निकाल के देखिए दोस्तों ये वाला जो तार है निकाल के ये पुश बटन दोनों में, दोनों NO में दे दिया, यहाँ से इधर लूप करके दे दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आपका ओवरलोड हो जाएगा मोटर टिप करेगा तो ये NC जो है NO हो जाएगा, मोटर को स्टॉप कर देगा दोनों में। ठीक है दोस्तों, एज पर ड्रॉइंग का हिसाब से हम लोग यहाँ तक कनेक्शन किया। दोस्तों अभी देखिए हम लोग क्या किए, ये जो आप पुश बटन है, आप पुश बटन का आउटपुट से हम लाइन लिए। ठीक है दोस्तों, आप लिमिट स्विच एक नंबर, दो लिमिट स्विच रहता है दो मोटर के, तो आप लिमिट स्विच एक नंबर का NC में दिए, फिर दो नंबर का NC में दिए, फिर कॉन्ट्रैक्टर 2। ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर 2 जो रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर है डाउन वाला, वो कॉन्ट्रैक्टर का NC में दिए, लाके K1 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर आप होने वाला कॉन्ट्रैक्टर का A1 में दे दिए दोस्तों। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर K2 NC में क्यों दिए, जब वो K1 ऑन होगा K2 नहीं ऑन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आप लिमिट स्विच तो आप जानते ही हैं कि NC में दिए मतलब आप लिमिट स्विच NO हो जाएगा तो मशीन स्टॉप हो जाएगा, आप नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अभी आपको कनेक्शन बता देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये वाला देख रहे हैं दोस्तों, ये जो NO है ये आपका NO है, यहाँ से लाइन लिए और ये मैं तार पकड़ा हूँ, ये तार हमारा लिमिट स्विच में चला गया, देखिए ये वाला लिमिट स्विच, और लिमिट स्विच का आउटपुट से फिर हम लोग क्या किए, दूसरा लिमिट स्विच को दे दिए। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा लिमिट स्विच का NC में इनपुट दे दिए, फिर ये वाला जो तार है ये देखिए, ये वाला तार हमने क्या किए देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके आके, ठीक है, ये हमारा K2 कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब रिवर्स वाला डाउन वाला। ठीक है दोस्तों, K2 का NC में दे दिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये NC में दे दिए, और इसका NC से निकाल के, ये NC से निकाल के देखिए, ये जो हमारा K1 है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर जो आप होगा, ठीक है, इसका A1 में दे दिए।
ड्राइंग का हिसाब से ये कनेक्शन कर दिए। अभी दोस्तों आपको चला कर भी दिखा देते हैं, जैसे हम लोग आप पुश बटन दबाएंगे ओनली आपका कॉन्टैक्टर ऑन होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों, एक लाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है दोस्तों, K1 का। अभी K2, ठीक है दोस्तों, डाउन वाला जो है कॉन्टैक्टर K2 उसका करेंगे। उसका देखिए दोस्तों, हम डाउन का आउटपुट से सप्लाई ले रहे हैं, इनपुट में तो हमारा सप्लाई है, डाउन का आउटपुट से सप्लाई लेके K1 का NC में दिए। जैसे कि K1 ऑन होगा तो K2 ऑन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो K1 NC में दिए, फिर से K1 NC से डायरेक्ट लेके K2 जो डाउन पुश डाउन कॉन्टैक्टर है उसका A1 में दे दिए दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डाउन पुश बटन है, इसका आउटपुट से ये सप्लाई लिए, देखिए ये वाला सप्लाई लिए, लेके इसका NC में दे दिए, K1 का NC में, ठीक है दोस्तों, K1 का NC में दे दिए। फिर यहाँ से आउटपुट निकाल के लेके ये A1 में दे दिए K2 में। अभी इसको आपको दिखा देता हूँ चला के, ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। अभी देखिए हमारा ये वाला लाइन जो है ये बाकी था, ये दोनों हो गया है। यहाँ पे हम लोग एमरजेंसी आउटपुट से ही सप्लाई लिए, ठीक है, दोनों मतलब एक भी लेके आप दोनों को लूप भी कर सकता है, ठीक है। दो आपका आप कॉन्टैक्टर का NO, डाउन कॉन्टैक्टर NO में एक सप्लाई हम लोग दे दिए 24 वोल्ट, जो हमारा इमरजेंसी का आउटपुट से आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, दे दिए। फिर ये दोनों NO का आउटपुट में दोनों को शॉर्ट कर दिए, ठीक है दोस्तों, दोनों को दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे शॉर्ट कर दिए। इसका मतलब ये है दोस्तों, कोई भी एक जगह से हमको सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये रोटरी स्विच है, 3 पोजीशन वाला रोटरी स्विच है, 0 में नॉर्मल NC होके रहेगा, और जब लेफ्ट में करेंगे एक साइड बंद हो जाएगा, एक साइड NC होगा, दूसरा साइड करेंगे तो दूसरा साइड का NC हो जाएगा, और उसका जो दूसरा साइड है NO हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे जो शॉर्ट किए हैं हम लोग, कि कोई भी पॉइंट से हमारा ये सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आके ये सप्लाई इधर मिल जाएगा, यहाँ से भी आके ये सप्लाई मिल जाएगा। हम लोग रोटरी स्विच को दे दिए दोस्तों, ठीक है, और रोटरी स्विच से आउटपुट लेके दोस्तों क्या किए, ठीक है, दोनों पॉइंट अलग अलग है, रोटरी का दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट से एक पॉइंट लेके दे दिए हम लोग, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड वाला जो कॉन्टैक्टर है उसका A1 में, और राइट साइड वाला कॉन्टैक्टर दूसरा आउटपुट से यहाँ दे दिए, ठीक है दोस्तों। हम रोटरी के लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा L3, और राइट साइड में घुमाएंगे तो ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ठीक है दोस्तों। आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कनेक्शन। देखिए दोस्तों, ये इमरजेंसी स्टॉप है, ये देख रहे होंगे, ये देखिए इमरजेंसी स्टॉप है, और इसका पीछे NC लगा हुआ है। यहाँ से सप्लाई ले लिए हम लोग आउटपुट से, ये वाला वायर देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। लेके हम लोग क्या किए, ये NO में दे दिए, ये कॉन्टैक्टर 2 है इधर ही दे दिए, और यहाँ से लूप मार के कॉन्टैक्टर 1 को दे दिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या किए, इसका ठीक ऊपर इसका आउटपुट से ये कॉन्टैक्टर NO से ये कॉन्टैक्टर NO को देखिए शॉर्ट कर दिए, ये जो तार है, ये जो तार, ये दोनों को शॉर्ट कर दिए। और यहाँ से हम लोग क्या किए दोस्तों, आप दोनों तार ले सकते हैं, हम दोनों जैसे रोटरी में यहाँ पे ड्राइंग में बताया, ठीक है दोस्तों, आप एक भी ले सकते हैं। हमने एक तार ले लिए यहाँ से, देखिए ये रोटरी में एक ले लिए, लेके दोस्तों रोटरी में यहाँ पे देख रहे हैं एक तार लाए, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये एक तार लाए, ला के यही पॉइंट से, इसका दो पॉइंट है रोटरी में, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट को यहाँ शॉर्ट कर दिए, यहीं पे ही शॉर्ट कर दिए। आप यहाँ से दो तार ला के भी यहाँ पे दोनों पॉइंट में दे सकते थे, लेकिन हम लोग एक ही तार ला के यहाँ पे दोनों पॉइंट को दो को शॉर्ट करके दे दिए, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, कर दिए दोस्तों यहाँ। और दूसरा साइड जो दो पॉइंट है देखिए, ठीक है, एक पॉइंट से हम लोग निकाले ये पॉइंट से, ठीक है दोस्तों, रोटरी का ये वाला पॉइंट आप जो देख रहे हैं,
ठीक है। यह पॉइंट से निकल के हम लोग क्या किए, ये तार देखिए मैं पकड़ पकड़ के जा रहा हूँ, ये तार ठीक है दोस्तों, ये तार हमने क्या किए, ये जो हमारा लेफ्ट साइड मोटर है, ये लेफ्ट साइड मोटर है दोस्तों, ये लेफ्ट साइड का मोटर का कॉन्टेक्टर है, ये A1 में दे दिए दोस्तों, ये A1 में दे दिए। और यहाँ पे और एक पॉइंट बचा है, और ये वाला पॉइंट का तार जो देखिए हम पकड़ के जा रहे हैं, ये जो तार है हम लोग राइट साइड का, ये जो राइट साइड मोटर है इसका A1 में दे दिए दोस्तों, ये देख रहे होंगे मैं पकड़ा हूँ, A1 में दे दिए। ठीक है दोस्तों, अभी आपको चालू करके दिखा देते हैं कैसे ये काम करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे दो लैंप लगाए जो कि हमारा मोटर का काम करेगा, मतलब मोटर नहीं है, मोटर नहीं लगाया, लैंप जलेगा तो आप समझ जाइएगा कि हमारा मोटर चालू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा कनेक्शन तो टोटली हो गया है जैसे आपको हमने वीडियो में बता दिया पूरा, और ये हमारा उसका इसका कंट्रोल डायग्राम है, और ब्रेक का जो कनेक्शन है, ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग ब्रेक कनेक्शन किए ऐसे ही करिएगा आप। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे पास ब्रेक रेक्टिफायर नहीं है और मोटर भी पास में नहीं है, इसके लिए हमने खाली ब्रेक का कनेक्शन करके आपको दे दिए। ठीक है दोस्तों, और ब्रेक का सप्लाई हर एक गोंडोला का अलग अलग भी हो सकता है, रोप सस्पेंडर प्लेटफॉर्म, आपको कितना वोल्ट इनपुट है और कितना वोल्ट आउटपुट है, ब्रेक का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक जो रहेगा वो कितना वोल्टेज का है, हम लोग यहाँ पे आउटपुट वाला मेंशन नहीं किए, वो हर मशीन का अलग अलग हो सकता है, वो आप देख के कनेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसका पावर डायग्राम तो हमने बता दिया था ऑलरेडी दिखा के। ठीक है दोस्तों, अभी ऑन हम लोग कर रहे हैं, आप वीडियो को देख लीजिए कैसे काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ये हमारा जो रोटरी है जीरो पोजीशन में है, मतलब बीच में है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा ये क्या होगा, पुश बटन से हम अप और डाउन, फॉरवर्ड और रिवर्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों करेंगे, अप डाउन, और ये इमरजेंसी स्विच है। देखिए दोस्तों, ये देखिए हम अप वाला पुश बटन दबा रहे, देखिए दबा के रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए लैंप जल रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब अपना ये दो कॉन्टैक्टर ऑन है, और यहाँ पे आप वाला कॉन्टैक्टर ऑन है, और यहाँ दोनों मोटर का कॉन्टैक्टर ऑन है, तभी हमारा ये लैंप जल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए हमारा मोटर ओवरलोड हो रहा है, यहाँ पे पुश बटन दबा के रखे हैं हम, इसको कट करेंगे, ये वाला को दबा देंगे, देखिए ये बंद हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अभी छोड़ देंगे, फिर चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी लिमिट स्विच भी आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए ये हमारा आप लिमिट स्विच है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दबा देंगे इसको, देखिए दोस्तों यहाँ पे बंद हो गया लैंप, और कॉन्टैक्टर भी सारे बंद हो गए, यहाँ पे हम दबा के रखे हैं, अभी छोड़ देते हैं। छोड़ दिए, जैसे ये देखिए लैंप जलने लगा, दोनों मोटर हमारा आप कंडीशन, मतलब ऊपर का तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरा लिमिट स्विच भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए ये भी कट हो गया दोस्तों। ठीक है, ये देखिए लैंप बंद हो गया दोस्तों, अभी इसको हम छोड़ देंगे, ये छोड़ दिए फिर चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आप हो गया, अभी डाउन का दिखा देंगे दोस्तों। अभी देखिए यहाँ डाउन, डाउन वाला पुश बटन दबा के डाउन वाला दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों डाउन दबाएँ, ये देखिए दो मोटर चालू है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों डाउन वाला कॉन्टैक्टर ये है अपना, ये ऑन है, और साथ में ये दोनों ऑन है। ठीक है दोस्तों, एक बार छोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, अब फिर से ये देखिए, ये हो गया डाउन डाउन। ठीक है दोस्तों, आप डाउन हमारा हो गया। मान लीजिए आपका मोटर कोई एक साइड मोटर में, ये प्लेटफॉर्म है, कोई एक साइड डाउन हो गया और कोई एक साइड अप हो गया, उसको तो आपको बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही क्रॉस होके आपका प्लेटफॉर्म ऊपर उठेगा, फिर आपका ऊपर में सेफ्टी डिवाइस है वो भी लॉक हो सकता है, प्लेटफॉर्म सीधा नहीं रहेगा, तो उसको सीधा करने के लिए आपको ये रोटरी स्विच जो साइड का आपका आप करना डाउन करना वो साइड में घुमाना है। मान लीजिए हम लेफ्ट साइड में घुमाएं, लेफ्ट साइड का मोटर को हमको थोड़ा अप और डाउन करना है, ये लेफ्ट साइड में रखें। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पुश बटन दबा रहे हैं, देखिए एक ही लैंप हमारा जल रहा है, मतलब ये आप कॉन्टैक्टर ऑन है और यहाँ पे
देख रहे दोस्तों, ये कॉन्टैक्टर ऑन है लेफ्ट साइड मोटर का, ओनली ओनली लेफ्ट साइड, ये वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही ऑन है और ये ऑन है, ये दोनों ऑन है तो हमारा ये लैंप जल रहा है। ठीक है, और इसका डाउन भी दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, डाउन वाला पुश बटन हम दबा के रखे हैं, ये देखिए डाउन वाला दबा के रखे हैं, और ये देखिए ये लैंप जल रहा है। ठीक है दोस्तों, वही लेफ्ट साइड का ही, ये ऑन है लेकिन ये देखिए हमारा डाउन वाला है। ठीक है, पहले ये ऑन हुआ था, हम ऑफ किए तो ये ऑन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अभी डाउन कर रहे हैं तो ये ऑन हो रहा है, और लेफ्ट साइड का मोटर ही काम कर रहा है, अप और डाउन दोनों। ठीक है दोस्तों, ये लैंप देखिए, और एक बार आपको दिखा देता हूँ अप और डाउन करके, अभी आप करता हूँ। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, अप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये लैंप जल रहा है लेफ्ट साइड का ही ओनली, अभी डाउन कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये डाउन वाला कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, लेफ्ट साइड मोटर ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक लैंप जल रहा है, मतलब एक साइड का मोटर है। ठीक है दोस्तों, अभी दूसरा साइड का दिखा देता हूँ आपको, राइट साइड। यहाँ पे देखिए रोटरी घुमा देता हूँ, जीरो जीरो से राइट कर दिया दोस्तों, अभी राइट वाला को ऑफ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये कॉन्टैक्टर ऑन हुआ आपका, साथ में ये कॉन्टैक्टर ऑन हुआ। ठीक है दोस्तों, राइट साइड का मोटर, और यहाँ पर राइट साइड का लैंप जल रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको डाउन करेंगे, अभी इसको डाउन करेंगे। ये देखिए डाउन वाला दबाएं, वही लैंप जल रहा है, वही मोटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा डाउन वाला कॉन्टैक्टर ऑन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर, रिवर्स में हमारा ऊपर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सॉरी फॉरवर्ड में ऊपर जा रहा है, रिवर्स में नीचे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और एक बार अप डाउन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑन हुआ, वो ऑन हुआ, फिर से ये ऑन हुआ, ये ऑन हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए, और ऐसे हम लोग बहुत ही और आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो आपको शायद आप देखे नहीं होंगे अभी तक। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा ड्राइंग है। ठीक है, और ये ब्रेक का तो मैं बता दिया ऑलरेडी, ब्रेक का ऐसे करके आप कनेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।